मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाले पे। आज हम लोग पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल्स के पार्ट टू, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे हम लोग? केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में, अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, पढ़िएगा उसको भी। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच का अंतर हम लोग ऑलरेडी चैप्टर वन में पढ़ चुके हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होते हैं जो फिजिकल अपीयरेंस शो करके बता सकते हैं कि ये चीज़ ये है, देख करके हम लोग बता सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज वो होता है जब एक केमिकल रिएक्शन होता है उसके बाद जो जो चेंजेस होते हैं उसको केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, जैसे रिएक्शन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, तो वो सब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले मेटल का एक केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं जो क्या है, मेटल विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ मेटल का रिएक्शन। तो जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। मेटल ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड, जिसका नेचर जो होता है वो कैसा होता है? बेसिक। बेसिक यानी कि बेस, बेस यानी कि जो क्या करे, रेड लिटमस को क्या कर दे, ब्लू में चेंज कर दे, चेंजेस टू ब्लू। कोई दिक्कत? अब मेटल हमें पता है कि तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, प्लस वन, प्लस टू और प्लस थ्री वैलेंसी में। तो ये देखते हैं रिएक्शन कैसे होता है। तो अगर मेटल हमारा प्लस वन वाला रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन के वैलेंसी हम सबको पता है क्या होता है, माइनस टू, तो ये बनाएगा तो क्या बन जाएगा, एम टू ओ। क्रॉस मल्टीप्लाई करता है नंबर केमिकल फॉर्मूला बनाने वक्त। वैसे ही अगर मेटल टू वाला होगा तो वो क्या बनाएगा, उस दौरान जो मेटल ऑक्साइड बनेगा वो क्या बनेगा, MO। अगर थ्री वाला होगा तो वो क्या बनाएगा, M2O3। तीनों बार बनेगा क्या, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। और इनका नेचर क्या होगा, बेसिक। तो यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है, ऑन रिएक्शन विथ या ऑन बॉन्डिंग विथ एयर विच सब्सटेंस फॉर्म बेसिक कंपाउंड, या सब्सटेंस विच फॉर्म इज बेसिक। तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि वो चीज़ क्या है, तो वो हमारा मेटल है, क्योंकि मेटल ही जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बेस बनाता है, और जो मेटल ऑक्साइड बनाता है जो कि बेसिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन, नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ। तो नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, नॉन मेटलिक ऑक्साइड। देखो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ मेटलिक ऑक्साइड बनाता था उसका नेचर होता था क्या, बेसिक। यहाँ नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनेगा और उसका नेचर उल्टा यानी एसिडिक हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड, वो रेड लिटमस को ब्लू चेंज कर रहा था, ये ब्लू लिटमस को रेड चेंज करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट CO2, तो इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा। ठीक है, तो कंपाउंड एक्स ऑन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन या ऑन बर्निंग विथ ऑक्सीजन फॉर्म या चेंजेस ब्लू लिटमस रेड। तो ब्लू लिटमस रेड यानी कि एसिड, एसिड मतलब ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बन रहा होगा, ऐसा ऑक्साइड जो कि एसिडिक है, यानी दिमाग में कौन सा चीज आएगा, नॉन मेटल। क्वेश्चन कैसा आएगा, सब्सटेंस एक्स ऑन बॉन्डिंग विथ ऑक्सीजन चेंजेस ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस रेड क्यों चेंज करता है, तो एसिड, तो ये एसिडिक ऑक्साइड कब बनता है, जब नॉन मेटल रिएक्ट करता है। एक नया टर्म आता है, एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये ऑक्साइड होते हैं मेटल के जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेव करते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल विच बिहेव्स एज एसिडिक एज वेल एज बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन बार बार पूछ लेता है। तो किसके किसके ऑक्साइड्स एसिडिक और बेसिक दोनों होते हैं, तो जिंक के, अल्मोनियम के और लेड के। ठीक है, जिंक, अल्मोनियम और। नेक्स्ट है तीसरा, मेटल्स विथ वाटर, मेटल्स का। अब वाटर जो होते हैं जनरली थिंक तीन फॉर्म्स में हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ और स्टीम के साथ। तो ये जो कोल्ड, हॉट और स्टीम के साथ हम लोग का रिएक्शन चलेगा, जनरली हम लोग याद करना बात कर सकते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो हैं वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेंगे, मीडियम वाले मतलब बीच का एक मैग्नीशियम है जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और आयरन, अल्मीनियम और जिंक जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। और जैसे कि अब जिंक और मतलब आयरन के नीचे जो एलिमेंट है जैसे Pb, Cu, Ag, Au, Hg, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे।
does not react with water. ठीक है, ये भी याद रखेंगे. आयरन के नीचे जो आएंगे वो रिएक्ट नहीं करेंगे वाटर के साथ. कोल्ड वाटर के साथ कौन रिएक्ट कर रहा है? सोडियम पोटेशियम कैल्शियम हायर रिएक्टिव के हैं. तो देखते हैं रिएक्शन कैसे होता है जब सोडियम वाटर के साथ. तो ये बात हम लोग ऑलरेडी रिएक्शन देखो, यही हमारा बेस है. अगर इन बेस पे ध्यान दोगे तो आगे 11th 12th में आपको बहुत मदद मिलेगा. तो थोड़ा ध्यान से इन चीज़ों को सीखना है कि कैसे बॉन्ड को हमें तोड़ना है, कैसे रिएक्शन को हमें कराना है. तो देखते हैं, सोडियम मेटल है, मेटल जनरली पॉजिटिव चार्ज होते हैं. तो ये किस स्टेट में है? Na प्लस के. और वाटर अभी तो नहीं रिएक्ट करेगा, जब ये टूटेगा टूटेगा कैसे? H प्लस और OH माइनस. अब प्लस किसके पास जाएगा? माइनस के पास. तो Na और OH जब रिएक्ट करेंगे तो Na का वैलेंसी कितना होता है? 1. और OH का वैलेंसी कितना होता है? 1. रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेंगे? NaOH. और H अपना बना लेगा H2. तो यहाँ पे जो H2 रिलीज होगा, ये देखो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को क्या करेगा? रिलीज करेगा. तो लार्ज अमाउंट के जो हीट रिलीज हो रही है वो इस हाइड्रोजन को जला देंगे. तो हाइड्रोजन जब जलता है तो कौन सा साउंड रिलीज होता है? पोपिंग साउंड. तो हीट भी रिलीज हो रहा है और साथ साथ साउंड भी रिलीज हो रहा है. तो वैसे रिएक्शन को हम लोग एक्सप्लोसिव या वाइग्रस रिएक्शन भी बोलते हैं. तो हाईली वाइग्रस होता है क्योंकि इससे साउंड भी रिलीज होता है और हीट भी रिलीज होता है. क्यों? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज करता है और वो हीट एनर्जी हाइड्रोजन को जलाता है, पॉपिंग साउंड रिलीज होता है. इसलिए इसको कैसा रिएक्शन बोलते हैं? एक्सप्लोसिव. बहुत इंपॉर्टेंट, सोडियम के साथ भी होता है और पोटेशियम के साथ भी ये चीज़ होता है. हाईली रिएक्टिव होते हैं, जब रिएक्ट करते हैं तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होता है. ये हीट हाइड्रोजन को जलाता है तो पॉपिंग साउंड रिलीज होता है, जिसकी वजह से रिएक्शन एक्सप्लोसिव या वाइग्रस रिएक्शन बोला जाता है. नेक्स्ट एक और कैल्शियम है. तो कैल्शियम थोड़ा डाउन द रिएक्टिविटी आ रहा है सोडियम और पोटेशियम के मुकाबले, तो ये भी रिएक्ट करेगा. तो कैल्शियम होता है वैलेंसी प्लस 2 और वाटर टूटेगा H प्लस और OH माइनस. तो सी प्लस 2 किसके साथ जाएगा? माइनस के पास. कैल्शियम का वैलेंसी 2, OH का वैलेंसी 1. जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस. तो हम लोग लिख रखे हैं पहले से ही CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2. तो यहाँ पे जो H2 रिलीज होगा तो यहाँ पे ज़्यादा हीट रिलीज नहीं हो रहा है, तो H2 जो होगा वो जलेगा नहीं. अगर जलेगा नहीं तो ये बबल्स बन जाएगा. क्या बन जाएगा? बबल. क्या बन जाएगा? H2 बबल. अब ये बबल क्या करेंगे? जो कैल्शियम होगा उसके सरफेस पे जाके क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा. जब इसके सरफेस पे हाइड्रोजन चिपक जाएगा तो ये पानी में तैरना शुरू कर देगा. तो क्वेश्चन आता है वाई कैल्शियम फ्लोट्स इन वाटर. तो क्या बोलेंगे? व्हेन कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बबल्स विच स्टिक्स टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम. कैल्शियम के सरफेस पे क्या करता है? चिपक जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम पानी में तैरना शुरू कर देता है. सेकेंड आते हैं हॉट वाटर के साथ. तो हॉट वाटर के साथ कौन रिएक्ट करता है? मैग्नीशियम. तो मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर से वही बात, मैग्नीशियम प्लस 2 और वाटर फिर से टूटेगा किस में? OH माइनस और H प्लस. तो Mg किसके साथ जाएगा? OH के साथ 2 और 1. ये फिर से क्या बनाएगा? MgOH का होल ट्वाइस. अब प्लस H2, यहाँ भी H2 ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा, तो यहाँ भी बबल्स बनेगा और वो बबल उसके सरफेस से जाके चिपकेगा तो वो पानी में तैरना शुरू कर जाएगा. तो किस में फ्लोट कर रहा है? एक कैल्शियम में और एक मैग्नीशियम में. कैल्शियम और मैग्नीशियम के बबल्स बनते हैं, हाइड्रोजन बबल्स होते हैं जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सरफेस पे चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से वो तैरना शुरू कर देता है. नेक्स्ट स्टीम. ये और उससे नीचे रिएक्टिविटी है, तो इसके पास बिल्कुल एनर्जी नहीं है. तो ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, सॉरी स्टीम के साथ रिएक्ट करता है. तो स्टीम के साथ आयरन जब रिएक्ट करता है तो ये रिएक्शन ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट चैप्टर में लिख रखे हैं. क्या बनाता है? Fe3O4 प्लस H2 Fe3O4 का नाम हम लोग लिख रहे थे, मैग्नेटाइट. और अल्मोनियम जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है स्टीम के साथ तो बनाता है Al2O3 प्लस H2. ये रिएक्ट बिल्कुल नहीं करते हैं. आयरन के जो नीचे आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में वो वाटर के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते हैं. तो ये भी स्टार मार्क्स लगा करके आप लोग नोट्स में जरूर इसको मेंशन कर लीजिएगा. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. हम लोग 3 प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स का. बाकी अगले वीडियो में आप लोग देखिएगा पार्ट 3.
अगर वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब बटन को दबाना नहीं भूलें। और अगर मेरे वीडियोस के अपडेट्स चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस आपको हमेशा मिलता रहे और आप लोग उसको देख करके कुछ सीख सकें। थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।